Good morning all of you. Today is our lecture number 9 of vector algebra and today's topic is how to find the angle between two vectors. Means aapke paas do vector given honge, aapke unke beech ka angle find karna hai aur isse related hum questions karenge. To topic kya hai hamara? How to find the angle between two vectors. Maan lijiye agar aapke paas do vector given hai a and b. ठीक है और मुझे इनके बीच का एंगल फाइंड करना है. मान लीजिए दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर एंड दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर दैट इज योर थीटा. ठीक है तो हमें एंगल फाइंड करने के लिए क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू. ठीक है तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, बी वेक्टर के साथ. ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है बी वेक्टर के साथ एंड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर. इज दैट क्लियर. और ये फॉर्मूला हमारा कहां से बना है, जो हमारा ए डॉट बी की डेफिनेशन होते हैं वहीं से हमने ये फॉर्मूला बना रखा है. ठीक है ए डॉट बी क्या होता था हमारे पास, मॉडुलस ये होता था ए डॉट बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. ठीक है तो कॉस थीटा को हमने एक साइड रखा और ए मॉडुलस ए और मॉडुलस बी कहां चलेगा, अपॉन में किसके, ए डॉट बी. तो याद रखिए हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बाय द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए अपॉन इनटू मॉडुलस ऑफ बी. अब इसमें दूसरी कंडीशन एक और जुड़ती है हमारे पास. ये तो था अगर वेक्टर्स आपको आई जे के कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखें, किसमें, आई जे के कंपोनेंट फॉर्म में दे रखें. बट अगर वेक्टर्स की सीधी डायरेक्शन रेशियो दे रखी हो, मीन्स ए वेक्टर दे रखा हो आपको मान लीजिए अगर ए वेक्टर दे रखा हो आपके पास जिसकी डायरेक्शन रेशो दे रखी हो ए वन ए टू ए थ्री. ठीक है उसी तरह बी वेक्टर दे रखा हो बी वन बी टू और बी थ्री. ठीक है आप इसको याद रखिए, आप इसको आई जे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं बट मैं कह रहा हूं अगर आपके पास ए और बी वेक्टर किसमें दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशो के फॉर्म में, किस फॉर्म में, डायरेक्शन रेशो के फॉर्म में दे रखे हैं, तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन इंटू बी वन प्लस ए टू इंटू बी टू प्लस ए थ्री इंटू बी थ्री अपॉन स्केयर रूट ऑफ ए वन का स्केयर प्लस ए टू का स्केयर प्लस ए थ्री का स्केयर, स्केयर रूट ऑफ बी वन का स्केयर प्लस बी टू का स्केयर प्लस बी थ्री का स्केयर. इज दैट क्लियर. सेम वही सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, ए डॉट बी की सिंप्लीफाइड फॉर्म यही होगी, ए वन इंटू बी वन प्लस ए टू इंटू बी टू प्लस ए थ्री इंटू बी थ्री और अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए वन के ए वेक्टर क्या होगा, यही होगा ए वन का स्केयर प्लस ए टू स्केयर प्लस ए थ्री स्केयर. और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, बी वन का स्केयर प्लस बी टू का स्केयर प्लस बी थ्री का स्केयर का होल स्केयर रूट. क्लियर. तो ये दो फॉर्मूले हम यूज करते हैं अगर ए और बी वेक्टर डायरेक्ट आपको आई जे के फॉर्म में दे रखे हैं, देन आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. और अगर ए और बी वेक्टर आपकी उनकी डायरेक्शन रेशो गिवन है, ठीक है अगर उनकी डायरेक्शन रेशियो गिवन है, तो आप सीधा ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. ठीक है जी. तो ये था हमारे पास हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ठीक है टू गिवन वेक्टर्स के बीच में अगर हमने एंगल फाइंड करना, तो इसी से रिलेटेड हम आज क्वेश्चन करेंगे. क्लियर. प्लीज नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला. ओके जी. तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको दो कंडीशन यहां लिखवाना चाहता हूं. अगर दो वैक्टर्स आपके पैरेलल हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, और अगर दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी. इज दैट क्लियर. जैसे कि हम आप जानते हैं कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, मीन्स ए वेक्टर परपेंडिकुलर होता था बी वेक्टर के अगर ए डॉट बी क्या हो, जीरो के इक्वल हो. ठीक है ए वेक्टर, दो वेक्टर आपस में कब परपेंडिकुलर होंगे, जब उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा. इसी को मैं और कंडीशन में कैसे लिख सकता हूं, ए वन इंटू बी वन प्लस ए टू इंटू बी टू प्लस ए थ्री इंटू बी थ्री अगर जीरो के बराबर आया था, ये दूसरे वाले फॉर्मूले के लिए, अगर ए वन इंटू बी वन प्लस ए टू इंटू बी टू प्लस ए थ्री इंटू बी थ्री क्या आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, देन वी कैन से दैट कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. इसी तरह दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर व्हेन या इफ उनके डायरेक्शन मतलब कॉरस्पॉन्डिंग रेशो, ठीक है किसकी,
कंपोनेंट्स की कोफिशिएंट जो होंगे उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होगी अगर बराबर आ जाए। ए वन अपॉन बी वन इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू इक्वल टू ए थ्री अपॉन बी थ्री। क्लियर? दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर कब होंगे? जब उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा या फिर ए वन इंटू बी वन प्लस ए टू इंटू बी टू प्लस ए थ्री इंटू बी थ्री किसके बराबर हो? जीरो के इक्वल हो। और दो वेक्टर आपके पैरेलल कब होंगे? जब ए वन अपॉन बी वन बराबर हो ए टू अपॉन बी टू और ए बराबर हो किसके? ए थ्री अपॉन बी थ्री के। ये सारे ए वन बी वन क्या है आपके पास? कोफिशियंट है किसके? कंपोनेंट्स के। क्लियर? यही होगा आपका ए वन आई ए टू जे प्लस ए थ्री के। ठीक है, कंपोनेंट्स के सारे कोफिशियंट है। उसी तरह बी वेक्टर का क्या होगा? बी वन आई बी टू जे प्लस बी थ्री के। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो हमने आज क्या सीखा है? हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या फॉर्मूला था उसका? कॉस थीटा इज इक्वल टू दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अपॉन अपॉन में क्या आएगा? दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट मीन्स ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और साथ में हमने क्या सीखा कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो किस कंडीशन में परपेंडिकुलर होंगे? अगर उन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा या फिर ए वन इंटू बी वन प्लस ए टू इंटू बी टू प्लस ए थ्री इंटू बी थ्रू बी थ्री किसके बराबर हो? जीरो के बराबर हो। और दो वेक्टर आपस में पैरेलल कब होंगे? जब उनके कंपोनेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट मीन्स आई कंपोनेंट के जो कोफिशियंट होंगे उनकी रेशियो बराबर हो जे कंपोनेंट के जो उनकी कोफिशियंट होंगे वो, और फिर बराबर हो किसके? रेशियो ऑफ कोफिशियंट ऑफ के कंपोनेंट। मीन्स ए वन अपॉन बी वन इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू इक्वल टू ए थ्री अपॉन ए थ्री सॉरी बी थ्री हो, देन वी कैन से दैट द बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज नोट डाउन करिए इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? देखिए एंगल फाइंड करना है। यूज तो हम फॉर्मूला कर रहे हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, बट हमने फाइंड क्या करना है? थीटा की वैल्यू। तो याद रखिएगा थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या दे रखे हैं? I कैप माइनस J कैप, ठीक है, एंड J कैप माइनस K कैप। इज दैट क्लियर? मीन्स इस सब में एक एक कंपोनेंट मिसिंग है। यहाँ पे K कंपोनेंट मिसिंग है, यहाँ पे I मिसिंग है। मिसिंग मीन्स उनका कोफिशिएंट क्या है? जीरो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो गिवन पार्ट लिखेंगे, गिवन, हाँ जी, वेक्टर्स क्या गिवन है? तो मानते लेट A इज इक्वल टू ए वेक्टर मान लेते हैं ये आई डॉट जे सॉरी आई माइनस जे प्लस जीरो के। ठीक है, के नहीं है तो उसके साथ क्या लगा दिया मैंने? जीरो के, जीरो लगा दिया। उसी तरह दूसरा वेक्टर मानेंगे बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आई प्लस जे माइनस के। क्लियर? जो भी वेक्टर आपका मिसिंग होगा उसको इस तरह ही रिप्रेजेंट कर दिए जीरो लगा के साथ में। अब फॉर्मूला क्या था? हमने एंगल फाइंड करना है इनके बीच का। मेन फॉर्मूला क्या है? नाउ एंगल बिटवीन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर कैसे निकालेंगे हम? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यही होगा फॉर्मूला। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हाँ जी, तो कॉस थीटा हमारे पास बनता है, हाँ जी, व्हाट इज ए, व्हाट इज ए? ए इज योर आई माइनस जे प्लस जीरो के। इसका डॉट प्रोडक्ट हमने किसके साथ करना है? सेकंड वाले बी वाले के साथ। डॉट प्रोडक्ट विथ जीरो आई प्लस जे, जीरो आई प्लस जे माइनस के। क्लियर? और नीचे इनका सबका मैग्नीट्यूड आपस में दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा यहां लिख दीजिएगा।
हाँ जी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। इफ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपको नीचे दिख रहा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और यहाँ क्या है, 0 का स्क्वायर देन प्लस 1 का स्क्वायर देन प्लस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा कॉस थीटा के साथ देखिए क्या क्या है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। क्या है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में क्या सीखा था हमने कि आई कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा आई कंपोनेंट के साथ, मीन्स आई के जो कोफिशियंट हो गए। यहाँ आई का कोफिशियंट क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 0, मीन्स 1 इंटू 0, और आई डॉट आई क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। प्लस अब जे वाले कंपोनेंट, यहाँ देखिए जे का कोफिशियंट क्या है, माइनस 1, और यहाँ क्या इतना है, प्लस 1, मीन्स मैंने पीछे प्लस लगा दिया, माइनस 1 इंटू 1, क्लियर। और जे डॉट जे क्या होता है, 1, ठीक है। आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जे वाला जे के साथ एंड के वाला के के साथ। के वाला के के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, 0 इंटू प्लस 0 इंटू माइनस 1। इफ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, अपॉन में स्केयर रूट ऑफ, ये क्या बन रहा है, स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस 1, कितना बन गया, स्केयर रूट ऑफ 2, और यहां भी क्या बन गया, स्केयर रूट ऑफ 2, क्लियर। 1 का स्केयर 1 और माइनस 1 का स्केयर भी आपका क्या होगा, 1, तो 1 प्लस 1 कितना बने, 2। इफ दैट क्लियर? तो ये टर्म आ गई आपकी 0 देन माइनस 1 देन 0 अपॉन में कितना बन गया, 2, मतलब टोटली हमारा सॉल्व करके कितना आ गया, 1 अपॉन 2। तो हमारा कॉस थीटा यहां कितना आ रहा है, 1 अपॉन 2, बट वी हैव टू फाइंड द एंगल, एंगल मीन्स थीटा फाइंड करना हमने। अब जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते थे, ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्वेश्चन किए थे, वैसे ही हम यहां से थीटा फाइंड करेंगे। माइनस 1/2 आ रहा है, तो ठीक है, तो माइनस आ रहा है, सबसे पहले तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस, वैसे रहने दीजिए, 1/2 कहाँ होता है कॉस थीटा, 1/2 वैल्यू कहाँ आती है कॉस थीटा की, इट मे बी ऑन कॉस 60, किस पे आती है, कॉस 60 पे, ठीक है। कॉस 60 किसके बराबर होता है, 1/2 के, क्लियर है। अब ये नेगेटिव का साइन हमें कैंसिल आउट करना जरूरी है, तभी हमारा कॉस से कॉस कैंसिल होगा। तो हम क्या करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू, एज वी नो डैट कि कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा हमारे पास बता देता हूं आपको, यहाँ फॉर्मूला क्या है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा। मीन्स अगर माइनस के कॉस 60 हमें निकालने हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस पाई माइनस 60, पाई को आपको याद है, पाई को हम क्या बोलते हैं, 180, ठीक है। मीन्स माइनस ऑफ कॉस 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 180 माइनस 60, जो यहां मैंने वैल्यू डाल दी, कॉस 180 माइनस 60। अब कॉस 180 माइनस 60 लिख दिया, अब यहां से नेगेटिव कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस अब आपका कट जाएगा, बहुत सारे कॉस है, तो बचा आपके पास थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 60। अब 180 माइनस 60 कितना हुआ, 120, मतलब हमारे पास आंसर कितना आ गया, थीटा कितना आ गया, 120 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे एंगल कितना बन गया बिटवीन ए एंड बी, डेट इज योर 120 डिग्री। इज दैट क्लियर? अब ये आपको पता लग गया होगा कि हाउ वी कन्वर्ट दिस इनटू कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। कॉस पाई माइनस थीटा का हमने कैसे लेके आए इसमें, मतलब सबसे पहले क्या करना है, जो जो भी आपके पास यहाँ वैल्यू बन रही है उसमें देखिए कि कहीं वो कॉस 60, कॉस 30, कॉस 45 में वो वैल्यू कहाँ आती है। जैसे 1/2 हमारी कहाँ आ रही थी, कॉस 60 पे आ रही थी, कॉस 60 में लिख दिया, नेगेटिव साइन वैसे ही लिया। अब मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया ये वाला, मीन्स एज वी नो डैट कि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा, मीन्स नेगेटिव ऑफ कॉस 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस पाई माइनस 60, बस नेगेटिव ऑफ कॉस 60 की जगह मैंने ये डाल दिया, कॉस पाई माइनस 60, कॉस पाई, पाई मीन्स 180, कॉस 180 माइनस 60। अब आप यहां देखेंगे बोथ साइड इस इक्वेशन में, इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है, दोनों तरफ कोसाइन हमारा कैंसिल होगा, बचा क्या हमारे पास, थीटा, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इजी है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन, जहां आपने एंगल फाइंड करना होगा वहां थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन मीन्स मेहनत लगेगी। बाकी जैसे हम डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते थे, जैसे कैलकुलेशन करते हैं सिंपल, वैसे ही आपकी कैलकुलेशन होगी। इफ दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट भी सेम ऐसा ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या गिवन है आपके पास, ए वेक्टर आपके पास गिवन है, ए इज इक्वल टू आई माइनस जे, सॉरी आई माइनस टू जे, ठीक है, टू है साथ में, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, दिस इज योर ए वेक्टर, एंड द बी वेक्टर इज, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू थ्री आई माइनस टू जे, थ्री आई माइनस टू जे प्लस के। क्लियर? तो ये दो वेक्टर्स गिवन है, यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है, मींस ए एंड बी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग पार्ट, मींस गिवन पार्ट। गिवन क्या है आपके पास, ए वेक्टर कितना गिवन है आपके पास, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, एंड बी कितना गिवन है आपके पास, डेट इज योर थ्री आई माइनस टू जे प्लस के, ठीक है जी। हाँ जी, तो हम जानते हैं क्या एंगल फाइंड करना है, तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिखेंगे एज वी नो डैट एंगल बिटवीन द, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हाँ जी क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। हाँ जी, तो वैल्यू पुट करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू, व्हाट इज योर ए, ए क्या है हमारे पास, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, बी वेक्टर के साथ, बी वेक्टर क्या है हमारे पास, थ्री आई माइनस टू जे प्लस के, क्लियर, अपॉन में क्या आएगा इनका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अपॉन मींस स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ जी पहले का मैग्नीट्यूड में बनेगा वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, ये होगा आपका ए का मैग्नीट्यूड, इज दैट क्लियर, वन का स्क्वायर देन माइनस टू का स्क्वायर देन प्लस का थ्री का स्क्वायर। अब इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी में क्या बन जाता है आपके पास, थ्री का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, चेक कर लीजिए वैल्यूज पूरी एक्यूरेट पुट कर यही है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है उसको सॉल्व कीजिए, हाँ जी तो कॉस थीटा क्या बना आपके पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू, हाँ जी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट मीन्स आई वाला कंपोनेंट आई वाले के साथ, तो उनके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हुए वन इंटू थ्री, आई डॉट आई वन हो गया, देन प्लस का साइन, इधर जे का कोफिशिएंट है माइनस टू और इधर भी कितना है माइनस टू, मीन्स माइनस टू इंटू माइनस टू और जे डॉट जे हो गया आपके पास वन, देन के कंपोनेंट करेंगे इधर को, के का कोफिशिएंट कितना है थ्री एंड इधर कितना है वन, मीन थ्री इंटू वन होल अपॉन, हाँ जी फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपका क्या क्या आ रहा है सॉल्व करके, वन का स्क्वेयर प्लस टू का स्क्वेयर कितना होता है फोर, और थ्री का स्क्वेयर कितना होता है नाइन, मीन स्क्वेयर रूट ऑफ वन प्लस फोर प्लस नाइन, ठीक है, उसी तरह दूसरा स्क्वेयर रूट भी यही आएगा वन प्लस फोर प्लस नाइन, ठीक है, तो हम यहां देखेंगे नाइन प्लस फोर होता है थर्टीन, थर्टीन प्लस वन आपके पास कितने हो गए फोर्टीन। ओके तो यहां सॉल्व कीजिए वन इंटू थ्री थ्री, फिर माइनस सॉरी प्लस के, माइनस टू इंटू माइनस टू डेट इज योर प्लस के फोर एंड प्लस थ्री,
एंड ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 14 इंटू स्क्वायर रूट 14, यही आएगा स्क्वायर रूट 14 इंटू स्क्वायर रूट 14। मीन्स अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाता है, ऊपर देखिए ऊपर तो आ गया प्लस करके वहां पर 10 और नीचे आ गया 14, यही आया कॉस थीटा। और इसको अगर आगे सॉल्व करें मीन्स 10 और 14 को डिवाइड करें तो क्या बन जाता है 5/7। अब आप यहां देखेंगे ये जो 5/7 है cos 30 60 45 यहां कहीं ये वैल्यू नहीं आती है, तो इसमें आपने एंगल कैसे लिखना है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/7, दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल। ठीक है, दिस इज योर आंसर मीन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 5/7। याद रखिए जब भी आपके पास ऐसी कोई वैल्यू आए जिसमें एंगल आपको नहीं पता है, मीन्स 1/2 वो तो आ जाता है, 1/√2 वो भी आ जाता है, 3/√3/2 हो वो भी आ जाता है, 0/1 हो वो भी वैल्यू में होता है, बट उसके अलावा कोई भी और वैल्यू आए ठीक है तो याद रखिए उसमें सीधा आप लिख दिए थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ दैट वैल्यू। इज दैट क्लियर, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू गिवन वैक्टर्स। ठीक है, कौन से वैक्टर गिवन थे, ए वैक्टर क्या था हमारे पास i-2j+3k और बी वैक्टर कितना था 3i-2j+k। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन करिए इसको। ये तो हो गया सिंपल जिसमें आपने एंगल फाइंड करना है जब आपके पास दो वेक्टर गिवन है ए और बी, ए और बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है और आपने एंगल फाइंड करना है, तो सीधा फॉर्मूला आप क्या लगाते थे कॉस थीटा वाला, मीन ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इज दैट क्लियर, अब आएंगे थोड़े क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो थोड़ा अलग टाइप का होगा, प्लीज नोट डाउन करिए फटाफट इसको। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल एंगल फाइंड करना हो वो तो आपको मतलब उसके चांसेस होते हैं 20-30%, बट अब जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसके चांसेस आपके 60-80% होंगे पेपर में आने के, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स, ये भी सिंपल ही है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स या एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, वेक्टर्स ए एंड बी, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट, हाँ जी सच दैट, क्या क्या गिवन है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है यहां पे दैट इज इक्वल टू 3 कोमा मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है हाउ मच दैट इज 2 एंड ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर उसकी वैल्यू कितनी गिवन है दैट इज योर अंडर रूट 6। तो देख लीजिए क्या गिवन है आपके पास, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है दैट इज योर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे रखा है वो कितना है 2 एंड ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी है दैट इज योर स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो डायरेक्ट आपने फॉर्मूले में अप्लाई करनी है, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द गिवन पार्ट। हाँ जी, गिवन क्या है, जो भी आपके पास चीज गिवन होगी उसको लिख दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू कितना है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू है आपके पास 2 एंड ए डॉट बी गिवन है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 6। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, वही फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एज वी नो डैट कि कॉस थीटा हमारा किसके बराबर है ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ सॉरी डिनोमिनेटर में क्या है मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। तो देखिए ए डॉट बी की वैल्यू कितनी दे रखी है स्क्वायर रूट ऑफ 6 और ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 3 और बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपके पास 2 मीन्स 3 × 2 मीन्स कॉस थीटा आपके पास किसके इक्वल आ गया अंडर रूट 6 अपॉन 3 × 2। तो जो कि हमारे पास सॉल्व करके कितना बनता है कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 6 अपॉन 6 यही बनता है अंडर रूट 6 अपॉन 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, हमें फाइंड क्या करना है सिर्फ एंगल, एंगल मीन्स थीटा। हाँ जी, कितना बोला मैंने कॉस थीटा का कितना है अंडर रूट 6 अपॉन 6
इज दैट क्लियर? 6/6. अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? एज यू नो दैट कि किसी भी दो नंबर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो स्क्वायर रूट पे होंगे. 6/6 कितना होता है? 6 के बराबर. तो मैं इस 6 की वैल्यू को, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 करूं अगर इनटू किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ 6 के साथ, तो बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर. और जो कि सॉल्व करके कितना बन जाता है, 6. मेन 6 की जगह मैं लिख दूंगा यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 6 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 6. तुम्हारे पास cos थीटा कितना आ गया? वो आ गया 1/√6. और थीटा कितना आ गया? क्योंकि 1/√6 आपके किसी 30, 45 या 60 डिग्री की वैल्यू में नहीं आता है, 0 या 90 में. तो 1/√6 बन गया आपका, सॉरी थीटा बन गया आपके पास cos इनवर्स ऑफ 1/√6. दिस इज द आंसर. दिस इज द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स. इज दैट क्लियर? चलिए, ओके, नोट डाउन कर लीजिए. अब इसी तरह मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ फॉर योर होमवर्क. देन हम इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके हैवी वेटेज में थोड़े मुश्किल से क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, एंगल बिटवीन टू वेक्टर से रिलेटेड. प्लीज़ पहले होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लीजिए अपने, जो जितने क्वेश्चन अभी जितना कॉन्सेप्ट हमने अभी तक किया है इस लेक्चर में. क्वेश्चन है हमारे पास फॉर, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर, मीन्स यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स दैट इज योर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड 1 and 2. With magnitude 1 and 2, मीन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है. एंड सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 1. एंड ए डॉट बी आपके पास कितना दे रखा है? 1. और मैग्नीट्यूड दे रखा है दोनों वेक्टर का, मीन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है? 1 and 2. You have to find the angle between two vectors. Now note down the second question. Second question kya hamare paas? Find the angle. Simple question hai ye. Find the angle between two vectors. A and B. Such that A vector kitna given hai aapke paas? ए वेक्टर की बना आई प्लस जे माइनस के, आई प्लस जे के, सॉरी आई प्लस जे माइनस के. एंड बी वेक्टर कितना है? आई माइनस जे प्लस के. क्लियर? ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए हैं. डू इट योरसेल्फ और सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिए. प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी. अब इसके बाद हम करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो थोड़ा हैवी वेटेड या कह लीजिए या कॉम्प्लिकेटेड होते थोड़े से. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए. प्लीज होमवर्क अपना कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक देन यू कैन आस्क मी. चलिए, तो क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड बी. क्या क्वेश्चन है आपके पास? यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी. वेक्टर ए और वेक्टर बी का आपको क्या करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. मीन्स मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड. अब यहां पे एक और कंडीशन आ दे रही, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है. हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपस में क्या है? इक्वल है. एंड साइड दैट And such that
एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इज 60 डिग्री. एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री. कितना है 60 डिग्री. एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज, एंड देयर स्केलर, स्केलर मींस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है उन वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है. एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज वन बाय टू. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या है यहाँ पे, आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वेक्टर ए और वेक्टर बी का. साथ में कंडीशन क्या है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी. एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री. एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, मीन्स थीटा की यहाँ वैल्यू दे रखी है, दैट इज योर 60 डिग्री. एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, अब स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ही बोलते हैं उसको, मीन्स उन दोनों का वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 1/2. तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द गिवन पार्ट. पहली वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, पहली कंडीशन ये हो गई. दूसरी कंडीशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, मतलब थीटा कितना है 60 डिग्री है. और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मीन्स ए डॉट बी किसके बराबर है 1/2 के, मीन्स ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो 1/2 के बराबर है. इज दैट क्लियर. अब ये तीनों चीजें हमारे पास कहाँ होती है, एंगल वाले फॉर्मूले के बीच में, मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. तो चलिए आगे करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी. चलिए तो हम यहां लिखेंगे एज वी नो डैट, एज वी नो डैट कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी. ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, बस यही वैल्यू पुट कर दीजिए सारी. कॉस थीटा मीन्स कॉस 60 डिग्री, थीटा यहां पे 60 डिग्री है. ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है 1/2. और नीचे क्या है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी का, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसके बराबर है, ए के बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. अब ये वैल्यू लिखने के बाद कॉस 60 क्या होता है हमारे पास, कितना होता है कॉस 60, दैट इज योर 1/2. कितना होता है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू लिख देंगे 1/2 इक्वल टू 1/2 अपॉन, हाँ जी, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ ए दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए का स्केयर. यही होगा मॉडुलस ऑफ ए का स्केयर. तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मॉडुलस ऑफ ए का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 1/2 अपॉन 1/2, यही आएगा 1/2 अपॉन 1/2. लेफ्ट हैंड साइड वाले 1/2 को मैं यहां ले गया और मॉडुलस ऑफ ए स्केयर को यहां पे ले आया, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो मॉडुलस ऑफ ए का स्केयर किसके बराबर आ गया 1 के, किसके बराबर आ गया 1 के. अगर मॉडुलस ऑफ ए का स्केयर 1 के बराबर है तो मॉडुलस ऑफ ए भी क्या होगा 1 के, विच इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ बी भी इक्वल किसके आ गया 1 के. दिस इज आंसर. यही दोनों निकालने थे हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, नाउ अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए एंड बी इफ ए वेक्टर, ए वेक्टर कितना की बना 5i-j + 3k
ठीक है, इफ ए एंड बी, बी वेक्टर कितना गिवन है आपके पास, ध्यान से नोट कर लीजिएगा वैल्यू, ए वेक्टर कितना है 5y माइनस जे माइनस 3k, सॉरी माइनस 3k, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 3j, आई प्लस 3j माइनस 5k, देन आपके पास ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है और बी वेक्टर वैल्यू दे रखी है, देन शो डैट, देन शो डैट, शो डैट द वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, ये देखिए दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये वेक्टर एक अलग बना, मीन्स ए प्लस बी करके एक वेक्टर जो आएगा और जो एक ए माइनस बी करके आएगा, आपस में दोनों क्या हैं, आर परपेंडिकुलर, क्या है वो आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्लियर। सबसे पहले क्या गिवन है आपके पास, ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है और बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है, बोला क्या गया है हमें बताना है कि ए प्लस बी और a माइनस बी आपस में क्या है, एक परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन पार्ट क्या है आपके पास, a वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a वेक्टर, 5i माइनस j माइनस 3k, 5i माइनस j माइनस 3k, एंड b वेक्टर कितना है आपके पास, दैट इज योर i प्लस 3j माइनस 5k, i प्लस 3j माइनस 5k, दिस इज द वैल्यू ऑफ b वेक्टर। हमें बताना किसको है, a प्लस बी और a प्लस ए माइनस बी वेक्टर को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और याद है आपको कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या हो, जीरो के बराबर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, क्या फाइंड करेंगे, a प्लस बी वेक्टर। ए प्लस बी वैक्टर अगर आप फाइंड करेंगे तो क्या बनता है, ए प्लस बी आपके पास 5i माइनस जे माइनस 3k, ऐड करना है किसके साथ, i प्लस 3j माइनस 5k, i प्लस 3j माइनस 5k। तो सॉल्व करेंगे इसको, क्या आ गया आपके पास 5i प्लस i, दैट इज योर 6i माइनस के j प्लस के 3j, दैट इज योर प्लस के 2j, इज दैट क्लियर, माइनस के 3k माइनस के 5k, दैट इज योर माइनस 8k, दिस इज द वैल्यू ऑफ a प्लस a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये a वेक्टर और b वेक्टर की वैल्यू आ गई, क्लियर, प्लस वाले की। अब इसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। जब आप a वेक्टर माइनस b वेक्टर फाइंड करेंगे तो ध्यान रखिए माइनस बाहर रख के b को ब्रैकेट में रखना है, हाँ जी, कितना है 5i माइनस j माइनस 3k, 5i माइनस j माइनस 3k और नेगेटिव ऑफ i प्लस j सॉरी 3j माइनस 5k, यही होगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो, जीरो के इक्वल। तो यहां पे a प्लस बी और a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट क्या लाना है, जीरो के इक्वल, हाँ जी। a माइनस बी कितना आ रहा है आपके पास, a माइनस बी मेरे पास आ रहा है 5i माइनस j माइनस 3k, 5i माइनस j माइनस 3k, और यहां देखिए अब ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं वो माइनस के साइन के साथ क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो आ गया माइनस i माइनस 3j माइनस i माइनस 3j माइनस माइनस प्लस 5k, ठीक है जी। तो जो कि हमारा सॉल्व करके कितना बन जाता है 4i 5i माइनस i, दैट इज योर 4i माइनस के जे माइनस के 3j, दैट इज योर माइनस के 4j माइनस के 3k प्लस के 5k, दैट इज योर प्लस के 2k, इफ दैट क्लियर, चेक कर लीजिएगा एक बारी। a प्लस बी वेक्टर हमने निकाल लिया है, उसके बाद निकाला a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब
दोनों को क्या शो करना है आपने, परपेंडिकुलर शो करना है, मीन्स ए प्लस बी और ए माइनस बी को, दोनों परपेंडिकुलर कब होंगे जब उन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ए माइनस बी के साथ, क्लियर। अब ए प्लस बी किस किसके बराबर है आपके पास, बताइए, ए प्लस बी वेक्टर कितना था हमारे पास, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सिक्स आई प्लस टू जे माइनस एट के, सिक्स आई प्लस टू जे माइनस एट के का डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, फोर आई माइनस फोर जे प्लस टू के, फोर आई माइनस फोर जे प्लस टू के, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारा किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के इक्वल, तब होगा आपके पास दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूफ। तो ये बना आपके पास 6 इंटू फोर, ठीक है, आई कंपोनेंट के जो कोफिशिएंट उनको मल्टीप्लाई कर लिख दीजिए, और आई डॉट आई क्या होता है आपके पास, 1 के बराबर। उसी तरह जे वाले देखिए कोफिशिएंट क्या है, 2 इंटू माइनस फोर, और उसके बाद क्या है के वाले कंपोनेंट मीन माइनस एट इंटू टू, जो कि हमारा सॉल्व करके बना 6 इंटू 24 24 माइनस एट माइनस 16, जो कि आ गया हमारा 24 माइनस 24 इक्वल टू जीरो, मीन्स ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी के साथ क्या आ रहा है, जीरो के इक्वल। नाउ ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट हमारा किसके बराबर है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट विद ए माइनस बी के डॉट प्रोडक्ट के साथ, जीरो के इक्वल, विच इंप्लाइज कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर, क्या है, आपस में एक दूसरे परपेंडिकुलर है। इफ दैट क्लियर, यही हमने प्रूफ करना था। इफ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। और ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, सेम टाइप का होगा, प्लीज उसको नोट डाउन कीजिएगा, जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए। फर्स्टली ओके, अब एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन सेम टाइप का ले लीजिए। क्वेश्चन है, दिस इज द ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन फॉर होमवर्क, दो क्वेश्चन पहले दिए हैं आपको, एक थर्ड क्वेश्चन आपके पास। इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस आई माइनस जे प्लस सेवन के एंड बी इज इक्वल टू फाइव आई माइनस जे प्लस लैम्डा के, ठीक है जी, यहां पे एक वैल्यू लैम्डा दे रखी है क्वेश्चन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड आपके पास गिवन क्या है, सो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर। यहां आपने प्रूफ नहीं करना है, यहां क्या बोला गया है कि इन दोनों वेक्टर्स में क्या है, आपस में वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। आपको ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो, वो आपने लेके चलना है और वहां से आपने वैल्यू निकालनी है लैम्डा। इज दैट क्लियर, यहां पर आपने डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल नहीं करना है, सॉरी जीरो के इक्वल करना है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा। Is that clear to all of you? This is the question for your homework. Do it yourself and please answer, comment कर दीजिए. Thank you. मिलते हैं आपसे next lecture में, lecture number 10 में. Thank you. Have a nice day.